Malika, welcome or welcome back to my channel. If you are new here, then please do not forget to subscribe to my channel as well as hit on the notification bell icon. So, you already know by the title of this video that I'm going to be reviewing the O3 Detan face mask. And honestly speaking, I've been dying to review this for you guys because I have been trying out this product for the past 1.5 years. And guess what? Yes, you guessed it right, I'm in love with this product. So, without any more further ado, let's just dive into the video. Keep on watching. तो आप लोग को अब लगता होगा कि ये रोज वीडियो क्यों बनाती है बिना मेकअप की। मैं आज बिना मेकअप की वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को आप लोगों के सामने ट्राई और टेस्ट आउट करने वाली हूँ ताकि आप लोग ये प्रोडक्ट की जो भी मतलब क्वालिटीज़ है बिना कोई मेकअप के आपके सामने देख पाए। तो बस मैंने लिपस्टिक लगाया हुआ है और थोड़ी सी ब्राउन आई शेडो लगाया हुआ है। ओके, फॉर गिव माई हिंदी स्पीकिंग स्किल्स, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो या, और मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों पसंद करती हूँ, लेकिन उस सबसे पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट नॉन स्पॉन्सर्ड है। मुझे O3 वालों ने कोई पैसा नहीं दिया है, ना ही ये कोई बार्टर कोलैब है, ये कोई कोलैबोरेशन या कोई भी तरीके का स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो मैं ये प्रोडक्ट आपको मतलब खोल के दिखाती हूँ। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 830 रुपीज़। ये कुछ डिस्काउंट में आपको मिल सकता है पर ज़्यादातर ये डिस्काउंट में नहीं रहता है, लेकिन मुझे इसको MRP से ही मैंने इसको ख़रीदा है, इसका जो MRP है। लेकिन सच बताओ तो इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ MRP से ख़रीदने में, क्योंकि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है और ये इतना दिन चलता है कि इसको अगर आप MRP से भी ख़रीदो आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। दिस मच आई कैन से बिकॉज इट इज़ सो गुड and it does not smell good though. It has a strong minty kind of a smell. This is the product. It has a very thick, creamy, gooey kind of a texture. Very very thick, very very creamy. You can see the texture of the product quite clearly. The packaging is it comes in a glass packaging which looks quite luxurious. It has this silver lid. It looks quite luxurious, but again it's not very portable, I might say, because you cannot carry this easily. ये मतलब थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा हैवी तो है। अब मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी आपको बताती हूँ, ये प्रोडक्ट मैंने क्यों यूज़ किया था, किस लिए यूज़ किया था। क्योंकि मेरा ब्राइडल के टाइम में जब मैंने फेशियल किया था तो उन लोगों ने O3 फेशियल ही किया था, उससे एक बहुत अच्छा ग्लो आया था मेरा फेस में। तो मुझे तो O3 के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद थे तब से ही। और उसके बाद भी जब मुझे मैं मंदारमनी गई हुई थी और सी बीच से, आपको तो पता ही है कितना गंदा सा टैन हुआ था, पूरा दिन हम बीच में थे और बहुत गंदा सा टैन हुआ था। तो उसके बाद मुझे लगा कि कोई भी कुछ भी असर नहीं कर रहा, ना दही ना टमाटर, नथिंग वर्क्स आउट, एंड देन केम दिस प्रोडक्ट टू द रेस्क्यू गाइस, टू द रेस्क्यू। तो चलो बिना कोई वक्त गवाए, लेट अस जस्ट ट्राई एंड टेस्ट दिस प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, बिकॉज अगेन एंड दिस प्रोडक्ट बाय द वे, ओके आई फर्स्ट नीड टू टाइम माई हेयर, आई एम सॉरी, आई फर्स्ट नीड टू टाइम माई हेयर, कम ऑन, व्हाई डू आई मेक सच स्टूपिड मिस्टेक्स ऑल द टाइम। ओके, आई एम ऑलरेडी कैरिंग अ स्क्रंची बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई एंड टेस्ट आउट दिस प्रोडक्ट विथ यू गाइज। कम ऑन, माई हेयर इज टाइड एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑल ओवर माई फेस। मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है, आप चाहो तो ब्रश से भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास ब्रश नहीं है एंड इट्स फाइन। मतलब ब्रश ढूंढो, फिर ब्रश से लगाओ और फिर धो, इट्स अ बिग टास्क। मैं बहुत लेजी हूँ गाइस, मैं अपने काम आसानी तरीके से करना चाहूँगी। मतलब ब्रश को, एक तो मेकअप ब्रश मुझसे धुला नहीं जाता है, ऊपर से फेस मास्क के लिए भी अगर ब्रश यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ तो बस ख़त्म जिंदगी। तो अच्छे से मतलब फेस में लगा लेना। और इस प्रोडक्ट का और एक खूबिया है कि जब हम इसको फेस में रखते हैं आफ्टर 10-15 मिनट्स हम इसको धो देंगे जल्दी से जल्दी, 15 मिनट से ज़्यादा इसको
मतलब कभी मत रखो अपने फेस में। और आप देख सकते हो कि ये इतने अच्छे से ना फेस को क्लीन करता है कि प्रोडक्ट मतलब जहाँ जहाँ आपका ज़्यादा टैन है आप देखोगे वो प्रोडक्ट बहुत मतलब वहाँ से थोड़ा मिट जाता है, काइंड ऑफ एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, आप खुद ही देखोगे। मैंने इसीलिए मतलब रियल टाइम इसको किया है ताकि आप मतलब खुद ही देखो कि ये कैसे काम करता है मेरे फेस में। तो मैंने तो पूरा फेस में अच्छे से इसको लगा लिया। नेक एरिया भी मत भूलना, लगा ही लेना, क्योंकि फिर फेस अलग कलर और नेक अलग कलर, ऐसा लगेगा कुछ बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है। वो तो हम नहीं चाहते, बल्ब ही जल रहा होगा एनीवे। तो उस बल्ब या ट्यूबलाइट आप डिसाइड करो आप। ओके, सो मेरा प्रोडक्ट लग चुका है, मेरा फेस में बहुत एब्जॉर्ब भी हो रहा है इधर उधर से। But I'll keep on talking because I don't want to waste my time. I also need to go out after this video. I have a friend's night out, a girl's night out. So anyway, keeping that aside, मैं बात करती हूँ इस product पे, आती हूँ वापस मलिका कम बैक। सो या दिस प्रोडक्ट इज सो गुड, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द डर्ट, द गंक, द ऑल द अदर यू नो पल्यूशन पल्यूटेंट्स pollutants, everything. It actually sucks out everything and gives your face the bright, fresh glow your skin deserves, your skin has. You know, it just brings out the inner glow of your face. एक मतलब अंदर से चमक आती है फेस में जब आप इसको वॉश आउट कर लेते हो और अच्छे से मतलब गुलाब जल, रोज वाटर, एनीथिंग, कुछ भी आप स्प्रिट्स ऑन कर लो एंड देन यू पुट ऑन सम नाइस हैवी थिक मॉइस्चराइजर। एंड ऑनेस्टली गाइस, सुबह तो एकदम चमकीला चेहरा लेके उठ जाना। और मलिका को फिर थैंक यू बोलने जरूर आना कमेंट में, मैं आपके वेट करूंगी, इंतजार करूंगी कि आप ये प्रोडक्ट कब लगाओ और फिर मतलब मुझे आके कमेंट में बताओ। मतलब ये वीडियो मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ बोल रही हूँ या कर बना रही हूँ, सबको देख के लग रहा होगा पता नहीं इस प्रोडक्ट वालों ने, O3 वालों ने मुझे कितना पैसा दे दिया है। बट ट्रस्ट मी गाइस, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है मुझे। बट अगर मैं कोई भी अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने पे और मैं उसका अच्छा वाला रिजल्ट देखती हूँ तो मेरा तो बस मन करता है, जी चाहता है कि मैं आप लोगों से आके वो शेयर करूँ, उसका रिव्यू दूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरा रिव्यू बहुत पसंद है। आई सी सो मैनी ऑफ यू कॉमेंटिंग इन माई रिव्यू वीडियोज़ एंड वेन आई ऑनेस्टली स्पीकिंग वेन आई सी सो मच लव इन माई रिव्यू वीडियोज आई फील सो मच मोटिवेटेड एंड आई जस्ट फील सो मच मोटिवेटेड गाइज टू कम एंड शेयर माई रिव्यूज विथ यू गाइज बिकॉज आई सी देर आर वेरी स्मॉल क्रिएटर्स हु डोंट गेट अ लॉट ऑफ व्यूज लाइक मी। आई एम अ वेरी स्मॉल क्रिएटर, आई डोंट गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, बट अगेन इवन इफ 500 पीपल आउट देर आर वॉचिंग मी दैट्स मोर देन इनफ। आई जस्ट फील दैट ओ माई गॉड, लाइक 500 people watching me in a room is again a very big thing. It's a very big motivation for me to come and speak to you guys. It just feels so good. Thank you for all the support. I really appreciate all of it. And yeah, you can see my product is getting absorbed. My mask is getting absorbed. I'm also going to be talking about the ingredients which this product has. Starting off with stearic acid, glycerin, and mainly it has lactic acid, which is very good for you know your skin brightening. Lactic acid is a very 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 good brightening agent because again milk also has lactic acid. If you like, I'm going to give you a small tip in this video, additional tip for guys who are watching me, you can always use chawal ki rice flour, basically chaler gudo. Okay, you get it right, chawal ki aata. Yeah, so you can use this rice flour, chawal ki aata, and you can use some besan and any like good quality besan and some milk, and you try applying it every week. Again, that also acts as a very good skin brightening agent. It's a very beautiful mask, a very beautiful DIY mask. You can always apply that. I really trust that. And this mask, it's super good. तो ये आप लगा सकते हो. और ये जो mask है, let me come back to this O3 brightening mask, detan mask basically. You can apply this once in a week. ज़्यादा मत लगाना, फिर ये skin के लिए थोड़ा बहुत harsh हो जाता है.
तो आप बस हफ्ते में एक बार इसको मतलब कंटिन्यूअसली लगाओ और फिर आप आके मुझे बताओ. आप तो मतलब फर्स्ट यूज से यू विल सी, मैं इतना आपको अश्योरेंस गारंटी दे सकती हूँ. आप आके मेरा चैनल में कमेंट भी कर सकते हो, आई विल बी देयर, आई विल टॉक टू यू कि अगर ये मास्क आपके चेहरे पे ज़रूर काम करेगा, आप एक फर्स्ट यूज से काम करेगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब फर्स्ट यूज से एकदम शेड चेंज हो जाएंगे आपके, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, पर आप डिफरेंस देखोगे, आपको डिफरेंस नजर आएगा. ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ डिफरेंस देखोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम अपने फेस को इतना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंस हमें ही नजर आता है लेकिन घर वालों को नहीं नजर आता. बट ट्रस्ट मी, ये लगाने के बाद घर वालों को भी नजर आएगा, वो आपसे जरूर कहेंगे. सो व्हाइल टॉकिंग टू यू गाइज, आई थिंक इट्स ऑलरेडी टाइम टू रिमूव द मास्क. और अगेन मैं और एक बात भी कहना चाहूँगी कि इस मास्क को लगाने से पहले भी पैच टेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो आके फिर बोलो कि पैच टेस्ट किया था, नहीं किया था, आपने तो बताया नहीं था. तो मत बताना कि मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ पैच टेस्ट करना. इधर मैं ज़्यादातर पैच टेस्ट करने को सजेस्ट करती हूँ, तो आप उधर मतलब आपको जहाँ सही लगे आप करना, बस मुंह में मत कर लेना. और अंडर आर्म्स में भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ना करना, बिकॉज अंडर आर्म्स में बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो प्रोडक्ट आपको सूट नहीं किया तो बर्न करता है और फिर थोड़ा बहुत यू नो बहुत ज़्यादा इच्ची हो जाता है, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव, द स्किन देयर इज़ वेरी सेंसिटिव. तो वहाँ पे मत करना, पर आर्म्स में कहीं भी कर सकते हो, लेग्स में भी कर सकते हो, कहीं भी मन किया तो कर लो, बस अंडर आर्म्स और फेस में मत करना, नेक में भी मत करना, क्योंकि नेक में कुछ हो जाए तो फिर अजीब वो कवर नहीं कर सकते हो ईजीली. सो हियर आई एम, आई हैव वॉश्ड माई फेस कम्प्लीटली विद वाटर, नॉर्मल वाटर, ठंडा पानी, लूक वॉर्म वाटर, किसी से भी अच्छे से मुंह जाके धो लो और फिर थोड़ा डैप कर लो या एयर ड्राई कर लो, कुछ भी कर लो और अपना मुंह को सुखा लो. प्लीज़ प्रेशर दे के ऐसे ऐसे घिसना मत, चेहरा है फेस है, मतलब थोड़ा बहुत कदर कर लो. अच्छा, बट रोज़ वाटर मेरा ससुराल में है, विच आई एम नॉट एबल टू अप्लाई राइट नाउ. हो सके तो आप रोज़ वाटर स्प्रिट्स ऑन कर लो, मैं तो मॉइस्चराइज़र ही लगाऊंगी क्योंकि रोज़ वाटर इधर है नहीं मेरे पास, तो उसको स्किप करूँगी, नॉर्मल कोई मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी. आप खुद ही डिफरेंसेस देख सकते हो, मेरा फेस कितना क्लीन है. ऐसा लगता है कि ये जो मास्क है ना, इसको लगाने के बाद फेस बिल्कुल अंदर से क्लीन और ग्लोई एंड ब्यूटिफुल स्मूथ हो जाता है, इतना अच्छा होता है. इट्स 100% रिकमेंडेड बाई मी. And this product is also easily available in Nykaa, in Tira. I would suggest these two. I wouldn't suggest Amazon, क्योंकि Amazon से काफ़ी बार fake products भी आने के rumors है. So I am not very sure whether you should buy your beauty products or your makeup products from Amazon. But apart from there, you can obviously trust in Nykaa or you can also trust in Tira, Tira Beauty. So you can like shop from these sites. And I can also give you the link in the description box. I don't know, मेरा वो पेज नहीं होता तो मैं कमेंट में ज़रूर पिन कर दूँगी, क्योंकि अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं हो पाया तो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी पक्का से. वहाँ से जाके भी आप खरीद सकते हो इस प्रोडक्ट को. अगेन आई एम नॉट गेटिंग एनी पेड एनी थिंग फॉर दिस वीडियो, जस्ट अ जेन्युइन रिव्यू, अ जेन्युइन 100% जेन्युइन रिव्यू फ्रॉम माई एंड. एंड या इफ यू आर लाइक दिस वीडियो, यू नो वॉट टू डू. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई फील कि ये प्रोडक्ट आपको कोई भी ब्यूटी पार्लर से भी मिल सकता है. सो यू कैन ट्राई इफ यू आर नॉट गेटिंग इन नायका और टीरा, बट आई थिंक टीरा और अमेजोन मतलब टीरा और नायका में ईजिली मिल सकता है, वो भी कुछ डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं. अब मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोडक्ट डिस्काउंट में नहीं रहता है. तो दैट्स इट, एंड यू ऑलरेडी नो वॉट यू हैव टू डू. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड शेयर मी विथ योर लव. And I would love to bring you guys more feedback. I love you all so much. Till then, tata, bye bye. I hope you all enjoyed this video.